अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के लड़ाके तबाही मचा रहे हैं, लेकिन अब इन लड़ाकों को अफगान सेना के स्पेशल कमांडो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की वायुसेना भी भीषण हमले करके आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर रही है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 267 तालिबान आतंकी मारे जा चुके हैं और 119 घायल हुए हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके इस बारे में जानकारी दी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेना ने नांगरहार, लाघमैन, कंधार, हेरात, बाल्क, फरियाब, जोवजान, हेलमंड, कुंदूज, तखार, कपिसा और काबुल प्रांतों में तालिबान के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की है। इसमें 267 आतंकी मारे जा चुके हैं। सोमवार को अफगान वायुसेना की बमबारी में जोवजान इलाके में 29 तालिबान आतंकी मारे गए थे, जिनमें तालिबान के 3 सीनियर कमांडर भी शामिल हैं। इस हमले में तालिबान के ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। अफगान सेना ने तालिबान पर अपने हमले के कई वीडियो जारी किए हैं। अफगानिस्तान की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ने बताया कि तालिबान का दावा है कि वो 85% इलाके पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि तालिबान गांवों और शहरों में मारो और भाग जाओ की रणनीति अपना रहे हैं ताकि उन्हें कम से कम नुकसान उठाना पड़े। हवाई हमलों में तालिबान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और उन्हें कई इलाकों में पीछे हटना पड़ा है। अफगान सेना ने बादघिस प्रांत के एक बड़े इलाके को तालिबान आतंकियों से आजाद करा लिया है और तालिबान के लड़ाकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी बीच तालिबान ने गजनी और कंधार जैसे शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। यहां पिछले 10 दिनों से लड़ाई जारी है। इससे कई सांसदों को डर सता रहा है कि दोनों शहरों में अगर जोरदार जवाबी कार्रवाई नहीं की गई तो उन पर तालिबान का कब्जा हो सकता है। इस बीच तालिबान ने अफगान सेना के 267 आतंकियों को मारने के दावों को खारिज कर दिया है। अफगान स्पेशल फोर्स ने अपने अभियान को दांड जिले में तेज कर दिया है। कंधार के लोगों के मुताबिक लड़ाई इतनी भीषण चल रही है कि अस्पताल घायलों से भरे हुए हैं। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।